नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में हुई फायरिंग की दो वारदातें। उलीडी थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार कर आर्म्स किए बरामद। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण पर वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे पौधे। चांडिल SDO ने बारिश से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक, तैयार की कई कार्य योजना। और छेड़खानी के आरोप में युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवती ने सिटी SP से की शिकायत। खबरें अब विस्तार से। उलीडी थाना अंतर्गत गुरुवार को अजय ज्वेलर्स के मालिक को रंगदारी नहीं देने पर गोली चलाई गई थी। पुलिस ने शुक्रवार को अनुसंधान कर दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उलीडी संकोसाई रोड नंबर 5 जनता पथ में अज्ञात अपराधियों द्वारा अजय कुमार वर्मा को रंगदारी नहीं देने पर गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। कांड के अनुसंधान तथा अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर जमशेदपुर के नेतृत्व में SIT तथा छापेमारी दल का गठन कर अपराधकर्मी अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा और अभिनंदन साव को गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक स्कूटी, एक मोबाइल फोन, एक हेलमेट बरामद किया गया। अपराध कर्मियों ने अपने बयान में अपराध स्वीकार किया है। एक प्रेस वार्ता कर SSP M तमिल ने जानकारी दी। तीन जून को जो उलीडी थाना अंतर्गत एक जगह पे गोली चलन का घटना हुई थी, जिसमें अजय कुमार वर्मा नामक व्यक्ति हैं, 28 वर्ष से उनको चेहरा में गोली लगा और उनके द्वारा जो है कांड दर्ज कराया कि हम कहीं गए हुए थे, उसी में हमारे खिलाफ में दो आदमी आके हमारे ऊपर गोली चला दिए। इसमें पूरे घटनाक्रम में हम लोग को एक अनुसंधान टीम हम लोग SIT गठन किया था, उसी के द्वारा इसमें अच्छे अनुसंधान करते हुए और जिसमें शामिल अपराधी दो अपराधी हैं, एक अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा 22 वर्ष का है और अभिनंदन साहू करीब 20 वर्ष का है। इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इसमें जो घटना में शामिल इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुआ है और इसमें एक हेलमेट भी आप देख सकते हैं कि खून लगा हुआ हेलमेट भी जो घटनास्थल है उसके घर में टेररिस्ट ने हम लोग को पाया है। और इसमें घटना का ये सारांश टोटल यही है कि जैसे अजय कुमार वर्मा है, ये पिछले करीब 1-1.5 साल से उस परिवार के घर पे आना जाना करते थे और अक्यूज्ड जो हम लोग पूछताछ किए थे अपने सुरक्षा के बयान में यही बताया कि उनके घर से बहन के साथ इनका अवैध संबंध था और पिछले 1-1.5 साल से उस घर में जो भी खर्च वगैरह होना था तो यही खर्च देते थे, सामान देते थे, सब कुछ देते थे। कल भी इन्होंने जो है आटा लेके उसके घर में गए थे और इनको सूचना मिला और ये आके वहाँ पर उनसे बहस किए कि बार बार हमारा घर में क्यों आ रहा है, फिर इसी बातों को लेकर उन्होंने जो है गोली चलाया और गोली में उनको जो है गर्दन में चोट लगा, चेहरा में चोट लगा, फिर MGM से TMH के हैं। और ये पूरा अनुसंधान में 2 महीना पहले अजय कुमार वर्मा ने, जैसे आपके माध्यम से मीडिया में उन्होंने दिया है, पेपर के माध्यम से भी आज दिया है कि पहले भी उलीडी थाना को इस संबंध में शिकायत किया गया था, उलीडी थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसी कारण हमारे ऊपर ये घटना हुआ है और ये घटना जो है 30,000 रंगदारी के लिए हुआ है। ये बिल्कुल निराधार है क्योंकि 1.5 महीना पहले जो उन्होंने कांड दर्ज कराया, जो शिकायत किए थे उसमें कांड संज्ञा 106/2021 का दर्ज हुआ था, जिसमें उन्होंने मारपीट करने का और गले से चेन छीनने का आरोप लगाया, तो गले के चेन छीनने का ट्रू नहीं हुआ है, सिर्फ हस्तक्षेप करने का और अपने हाथों पर करने का कांड। इधर जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया पेट्रोल पंप के पास गुरुवार सुबह अपराधियों ने सोनारी निवासी इंतू यादव पर फायरिंग की, जिसमें इंतू यादव बाल बाल बच गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के समीप फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है। गोली चालन में कोई हताहत नहीं हुआ। मामले की सूचना मिलते ही CT SP बिष्टुपुर थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिंटू यादव नामक युवक ने बताया कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मी उसे टारगेट करते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी।
गोली चलाने वाले का नाम विशाल और मनोज बताया जा रहा है। पिंटू यादव ने बताया कि वह सुनारी न्यू ग्वाला बस्ती में रहता है और विशाल एवं मनोज कदमा में रहता है। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और गाड़ी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। 2020 में दोस्तों के साथ विवाद हुई थी, जबकि उसने अपने साथ किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया। वहीं सिटी एसपी ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, आरोपियों की पहचान कर ली गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए, कल कुछ लोग, दो अपराधी थे, वो मारपीट के केस में जेल गए थे, वो भी छूट के आए हैं और जो सूचना मिली है कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले उनके नॉन है और अभी इस केस में अग्रता अनुसंधान जारी है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर, फायरिंग हुआ? दो राउंड फायरिंग होने की बात बताई गई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से और बाकी इंटरोगेशन से एकदम क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ। फायरिंग करने वाला नाम सबने बताया, आइडेंटिफाइड है, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन है उनके, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नाम बताना उचित नहीं। तो पहले से तो दुश्मन ही था क्या? अब देखिए, वो कल ही जेल से छूट के आए हैं और आज ही उनके ऊपर इस तरह से ये हुआ है, तो जरूर कुछ ना कुछ बात। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 148 लोग स्वस्थ हुए और 43 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें, चांडिल अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को एसडीओ रंजीत लोहार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। बैठक में बरसात में आपदा से निपटने को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में झामुमो नेता सुखराम हेमरम एवं उपस्थित अन्य लोगों ने कहा, जब तक चिन्हित विस्थापित गांव के विस्थापितों को पूर्ण मुआवजा भुगतान नहीं हो जाता, तब तक चांडिल डैम का जलस्तर 181 मीटर तक रखने की मांग की। साथ ही बरसात के पहले पुल पुलिया और सड़क आदि डूब क्षेत्र वाले जगह को चिन्हित कर उसका वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की गई। बैठक में लोगों ने किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगे गर्मा धान की फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए फिलहाल डैम के 2 फाटक को खोलने की मांग की। इसके लिए विधायक सविता महतो भी निर्देश दिया। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार ने कहा कि इस बार विभाग की योजना चांडिल डैम के जलस्तर को 183 मीटर तक ले जाने की है। कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष शोभा रानी महतो ने कपाली क्षेत्र में जल जमाव से निजात के लिए बरसात के पहले इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। बैठक विधायक सविता महतो, कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो समेत विभिन्न विभाग के पदाधिकारी शामिल थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मॉनसून को देखते हुए चांडिल डैम और उससे प्रभावित क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इसको लेकर माननीय विधायक और कपाली परिषद अध्यक्ष और यहां के गणमान्य लोगों, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श किया गया और ये निर्णय लिया गया माननीय विधायक के आदेशानुसार कि चांडिल डैम का पानी 180 से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाए। वर्तमान में चक्रवात के कारण जो पानी डैम का स्तर बढ़ा, उसमें जो गर्मा धान की फसल खड़ी है उसको देखते हुए अविलंब 2 दिन के अंदर 2 रेडियल गेट खोला जाए, ताकि जो भी फसल धान हो चाहे सब्जी हो वो किसानों को क्षति नहीं पहुँचे। और बाकी क्षेत्र में चूंकि बहुत जल्द ही मानसून आने वाला है, इसीलिए अगर ऐसा जगह चिन्हित किया जाए जो कि 10 या 15 दिन के अंदर हम लोग कर सकते हैं काम को और जल जमाव नहीं हो और ना ही किसी का घर या मकान प्रभावित। और 111 सेव लाइव अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद की सरायकेला जेल में तबीयत बिगड़ने पर MGM अस्पताल लाया गया, जहाँ रेफरल लेटर न होने की वजह से वापस बिना इलाज किए सरायकेला जेल भेजा गया।
सरायकेला खरसावा जिला के चर्चित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद एवं मंत्री बन्ना गुप्ता प्रकरण के बाद सलाखों के पीछे भेजे गए डॉक्टर आनंद की सरायकेला जेल में तबियत बिगड़ने पर शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल लाया गया। वैसे रेफरल लेटर नहीं होने के कारण एमजीएम अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर आनंद का इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर आनंद को पुनः सरायकेला जेल वापस ले जाया गया। वहीं इस संबंध में डॉक्टर आनंद के वकील अशोक कुमार दास ने बताया कि यह एक प्रशासनिक भूल है और सोची समझी साजिश के तहत डॉक्टर आनंद को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आनंद को सीने में दर्द और गैस से संबंधित परेशानी थी, जिसके बाद उन्हें यहां लाया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर बगैर पर्याप्त दस्तावेज के डॉक्टर आनंद को एमजीएम अस्पताल लाने की अनुमति कैसे मिली। उधर डॉक्टर आनंद के समर्थकों ने इसे साजिश करार देते हुए डॉक्टर आनंद को परेशान किए जाने का आरोप लगाया। समर्थकों ने इस मामले में मीडिया के समक्ष इंसाफ की गुहार लगाई। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपशब्द कहने एवं अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में लापरवाही एवं सरकार द्वारा तय राशि से अधिक वसूले जाने के आरोप में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ओपी आनंद, ओम प्रकाश आनंद, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद नाम हुआ डॉक्टर साहब का। आप कौन हैं? उनके उनके रिश्तेदार हैं। क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब तो इनको परेशान करने का उद्देश्य से इनको जेल भेजा गया, वहाँ से आए आज अस्पताल से भी इनको निराशा ही हाथ लगा। जाँच के नाम पर आए थे लेकिन यहाँ जाँच नहीं करके कागजी उलझा कर कागज पत्र का मामला उलझा करके पुनः इनको अस्पताल से जेल भेजा जा रहा है। इनको क्या हुआ है? इनका जांच का प्रतिक्रिया पूरा तो डिजिटल उस पर नहीं आ रहा, जेल में ही तकलीफ बढ़ी है, हमको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जांच के यहाँ ले आए थे, यहाँ पर सरायकेला जेल से भेजा गया था, लेकिन इनको वापस फिर सरायकेला भेज दिया जाता है कुछ कानूनी पचड़ा लगा करके परेशान करने का उद्देश्य से। डॉक्टर साहब को यहाँ एडमिट करने का था आप लोग को? जेल की तरफ वो तो सरकार का व्यवस्था, सरकार जो भी करेगा, लेकिन कागज पत्र के नाम पर फिर इनको वापस सरायकेला भेजा जा रहा है जो गलत है। ये सूचना हम लोगों को परसों मिली थी कि ये बहुत ज़्यादा चेस्ट में प्रॉब्लम है इनका, ठीक है, थोड़ा गैस्ट्रोलॉजी का भी प्रॉब्लम है। तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट से कहा तो कहा जेल के डॉक्टर से हम आपको दिखवा देते हैं। अकॉर्डिंगली बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ, बोर्ड ने कहा कि यस ये इट इज़ ए फिट केस कि आप इनको एमजीएम थॉरो जाँच के लिए भेजिए। इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के निर्णय के बाद क्या हुआ यहाँ पर? जांच हुआ? जांच नहीं, वापस कर दिया गया कि रेफरल लेटर नहीं। क्यों वापस कर दिया गया? रेफरल लेटर नहीं है, बोर्ड जो रेफर की इनको यहाँ वो नहीं। कैसे नहीं हुआ? चुक कहाँ हुआ है? चुक हुआ वहाँ जेल से। ये प्रशासनिक ही चुक है। इधर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम वन विभाग भी इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करेगी। जिले की DFO ममता प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी। घोड़ा बांधा स्थित वन विभाग के पार्क सह गेस्ट हाउस में पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां केवल जिले के वरीय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी शामिल होंगे, जिनके द्वारा परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। जिले की DFO ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस दिवस पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर परिसर में पौधरोपण के उपरांत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आगे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को और बेहतर ढंग से चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी। पर्यावरण दिवस में जिला प्रशासन पहले से ही एक अभियान चलाया हुआ है जंगल बचाओ का, और इस जंगल बचाओ अभियान में सभी जंगल बचाओ समिति जो बना है पूर्वी सिंहभूम जिला में, सभी के साथ हम पर्सनली जा कर के मीटिंग कर रहे हैं, जंगल बचाने का अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में 2-4 दिन पहले भीतरदाड़ी में भी हमने बैठक किया जंगल बचाओ समिति के साथ में, सारे लोग जंगल बचाने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहते हैं और बचा रहे हैं। सिर्फ सूखा लकड़ी बहुत यूज करते हैं और हरा भरा किसी भी पौधा को नष्ट करने का उन्होंने नहीं करने का उन्होंने कसम खाया। इसी तरह पूर्वी सिंहभूम के हर जंगल बचाओ समिति ने इस तरह से कसम खा के जंगल बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इधर रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक नई शुरुआत की गई है, जहां इनके द्वारा जरूरतमंद छात्रों को किताबें उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वे शिक्षित हो सके। बता दें कि इस क्लब के द्वारा पहले से ही समाज हित में कई कार्य किए जाते रहे हैं। अब इन्होंने एक नई शुरुआत की है, जहां पुराने किताबों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसे सत्र के अनुसार जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भाजपा के नेता भरत सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जहां उन्होंने इस पहल की खूब सराहना की। अच्छे कार्यक्रम का शुरुआत भविष्य ऐसे बच्चों को जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में अक्षम है, तो इन लोगों के द्वारा हर्षित माधवन और जो भी इनकी पूरी इंटायर टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की गई है कि वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनकी जो किताबें हैं वो डोनेट कर दें और फिर से जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यों पर इन लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया और इसका शुभारंभ किया गया। मैं इन तमाम बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले समय में भी मुझसे जो हो सकता है मैं भी अपने स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनके जो कॉपी किताब होते हैं मैं भी कोशिश करूंगा। पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी वैसे बच्चों के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए अपनी जो भी बुक्स हैं और जो भी सामग्री है उनको डोनेट करें ताकि हम अच्छा समाज करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा द्वारा मानव सेवा हेतु 7 दिनों का रक्तदान शिविर आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर किसान मोर्चा के द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार इस शिविर का आयोजन चल रहा है। 6ठे दिन जिला किसान मोर्चा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वैसे 100 यूनिट एकत्र करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 200 यूनिट रक्त यहां एकत्रित किया गया। वहीं रक्तदाताओं को यहाँ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। नेतृत्व दिशा निर्देश के अनुसार जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार उसी के तहत आज किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर ब्लड पे डोनेशन का आयोजन किया गया। उसी निमित्त हमारे सभी किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्र या जो PSC से जुड़े हैं वो लोग भी कोरोना महामारी में जो मरीज होगा उसको दान के लिए सब ब्लड डोनेशन पहले उतना जागरूक नहीं था, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति है उसमें सब लोग अभी जागरूक हुए हैं कि कोरोना मरीज को ब्लड जो रहते इसलिए सब लोग आगे आकर दे रहे हैं इसलिए कि ताकि उसका ब्लड डोनेशन लेकर कोरोना मरीज ठीक हो जाए। इसी निमित्त सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ब्लड डोनेशन। और जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने पूर्वी सिंहभूम जिला के लोगों से अपील की है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर हर व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाए और झारखंड को हरा भरा बनाए। वहीं उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित योजना के तहत 900 एकड़ में जल्द वृक्ष लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने पूर्वी सिंहभूम जिला में जंगल बचाओ समिति के साथ हर जगह बैठक कर कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और लोगों को जंगल बचाने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि एक पेड़ जरूर लगाएं और झारखंड प्रदेश को हरा भरा बनाएं। पर्यावरण दिवस में जिला प्रशासन पहले
बचाव होता है और इस जंगल बचाव अभियान में सभी जंगल बचाओ समिति जो बना है पूर्वी सिंहभूम जिला में सभी के साथ हम पर्सनली जा कर के मीटिंग कर रहे हैं, जंगल बचाने का अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में दो चार दिन पहले भीतरदाड़ी में भी हमने बैठक किया जंगल बचाओ समिति के साथ में, सारे लोग जंगल बचाने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहते हैं और बचा रहे हैं। सिर्फ सूखा लकड़ी लोग यूज करते हैं और हरा भरा किसी भी पौधा को नष्ट करने का उन्होंने नहीं करने का उन्होंने कसम खाया। इसी तरह पूर्वी सिंहभूम के हर जंगल बचाओ समिति ने इस तरह से कसम खा के जंगल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुंदरनगर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन अतिक्रमण कर बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन के मामले पर जिला उप विकास आयुक्त ने जांच का निर्देश दिया। जिला उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने कहा कि इस मामले पर हमने जिला परिषद के जिला अभियंता और सहायक अभियंता को जांच के लिए भेज रहे हैं। यदि सरकारी जमीन पर भवन बन रही है तो अतिक्रमण मुक्त होगा और विधि संगत कार्रवाई भी की जाएगी। जिला परिषद के जिला अभियंता एवं सहायक अभियंता लोगों से हमने बात किया है और उनको जांच के लिए भेज रहे हैं ये पता करने के लिए कि उसका ड्राइंग पास है या नहीं। यदि सरकारी जमीन में बन रहा है तो निश्चित रूप से ड्राइंग पास नहीं होगा, फिर भी एक बार जांच करना जरूरी है और इसका हम जाँच करा रहे हैं। तो सर, इस तरह का सर अवैध तरीके का बनाया जा रहा है सरकारी जमीन पर, क्या लगता है? सब जांच में पता चल जाएगा, जमीन सरकारी है, रैयती है, सही है, नहीं है, नक्शा पास है या नहीं है, या जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है तो इन पास है या नहीं, तो इसको हम जांच। इधर कोरोना महामारी के इस दौर में वैक्सीन कार्य की कम गति तथा प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीनेशन की गलत नीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सरायकेला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष छोटा राय किस्कू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल में डीसी अरवा राजकमल को ज्ञापन सौंप वैक्सीनेशन कार्य को बेहतर व तेज करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष छोटा राय किस्कू ने कहा कि वर्तमान में अभी वैक्सीनेशन काफी धीमा है, प्रतिदिन करीब 16 लाख लोगों को वैक्सीन हो रहा है। अगर इसी गति से वैक्सीनेशन जारी रहेगा तो पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्य खत्म होने में 3 साल लग जाएंगे। ऐसे में वैक्सीनेशन कार्य को तेज करना चाहिए और प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देते हुए वर्ष 2021 तक वैक्सीनेशन कार्य को खत्म करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन का केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी अस्पतालों के लिए अलग अलग दर है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है और वैक्सीनेशन पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार सभी देशवासियों को मुफ्त वैक्सीन देने की पहल करें ताकि कोरोना महामारी से भारत मुक्त हो सके। वर्तमान हालात को देखते हुए झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार ये जो कोविड-19 जो भारत सरकार के द्वारा जो फ्री वैक्सीन देने के नाम पर बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को से आग्रह करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सबको मिले और झारखंड भी अछूता नहीं है। हमारा प्रयास, हम लोग आशा करते हैं कि अधिक से अधिक झारखंड के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन मिले ताकि झारखंड से मुक्त हो। झारखंड एक ऐसा राज है कि कोरोना को जंग जीतते हुए पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगा, हमें आशा है। इसीलिए आज हम लोग उपयुक्त माध्यम के माध्यम से कि हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, ताकि महामहिम प्रधानमंत्री से भी आग्रह करते हैं और प्रदेश के हमारे जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस राज्य के जो युवा वर्ग के हृदय सम्राट हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करते हैं कि आपका अथक प्रयास से अधिक लोगों को, जैसे देहात के लोगों को अधिक मिले ताकि सुरक्षित रहे और हमारा झारखंड कोरोना से मुक्त रहे, यही हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। और धतगढ़ी स्थित सामुदायिक भवन में एक बैठक हुई जिसमें ओपी आनंद के गिरफ्तारी प्रकरण की चर्चा की गई।
सामुदायिक भवन में आयोजित बैठक भाजपा नेता भरत सिंह शरीक थे। भाजपा नेता ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री के संबंध में डॉक्टर आनंद द्वारा की गई अमरियादित टिप्पणी के बाद डॉक्टर आनंद ने माफी मांग ली थी। इस प्रकरण को वहीं समाप्त कर देना चाहिए था। उन्होंने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कहा, इस मामले को वहीं समाप्त कर देना चाहिए था। आदिपुर में जो नर्सिंग होम के मामले अभी विगत दिनों उजागर हुए हैं, मेरा मानना है कि इस महामारी के समय पर इस तरह की कार्रवाई उस समय जब उसके निदेशक या डायरेक्टर माफ़ी मांग लेते हैं तो सरकार को भी दरियादिली दिखाते हुए इस महामारी काल में जो भी चीज़ें हैं उसका हमें लगता है कि जांच करते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर इसको पार्टी बनाया जाए या एम करके उनको परेशान किया जाए। हमें लगता है कि इस तरह के जो चीज़ें चल रही हैं आने वाले समय में समाज के लिए भी और झारखंड के लिए भी ये गलत हो रहा है। और प्रज्ञा केंद्र में काम करने वाली युवती ने सिटी SP से मिलकर युवक के खिलाफ छेड़खानी करने की शिकायत की है। बताया जाता है कि युवती पहले बिरसा नगर स्थित प्रज्ञा केंद्र में काम करती थी। इस दौरान एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। बाद में युवती ने बिरसा नगर प्रज्ञा केंद्र में काम छोड़कर आदित्यपुर प्रज्ञा केंद्र में काम पकड़ा। युवती के अनुसार वह आदित्यपुर काम से लौट रही थी। रास्ते में युवक ने बलपूर्वक बाइक पर बैठाने की कोशिश की। इसकी शिकायत युवती प्रज्ञा केंद्र के संचालक से की। युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के बाद युवती ने शुक्रवार को सिटी SP से मिलकर युवक के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन पत्र दिया। इधर युवती ने पूरे मामले की जानकारी दी। मेरे से मुलाकात हुआ वालों का 7 नंबर प्रज्ञा केंद्र में, हम जहाँ काम करते थे, 7 नंबर बिरसा नगर। क्या चीज़ से काम करते हैं? प्रज्ञा केंद्र का। क्या करते हैं उसमें? हम लोग ऐसे प्रज्ञा केंद्र का सारा काम करते थे, प्लस PF PSI का थोड़ा बहुत काम करते थे ऑनलाइन। कैसे मुलाकात हुआ, किससे हुआ मुलाकात? वो एक टिम्पलेट कंपनी का जो ठेकेदार है, कविता इंजीनियरिंग, उसका ठेकेदार है सुशील कुमार समादार, वो और उसका साथ में इसका ये सुपरवाइजर है। क्या नाम है? असलम परवेज खान। ये दो बारी नगर। क्या है प्रॉब्लम? पूरा प्रॉब्लम है कि अभी उस दिन के बाद से तो हमको कोई परेशानी नहीं हुआ था जब काम कराए थे, उसके बाद बीच बीच में ये हमेशा हमको परेशान करता था, जिस वजह से हम उसका मतलब अपना दुकान से काम भी छोड़ दिए थे। वहाँ हम छोड़ दिए थे काम। कौन परेशान करता? असलम परवेज खान। क्यों? उसका ही तो नहीं पता सर, वो बार बार हमेशा मेरे को टॉर्चर करता है, हमेशा परेशान करता, छेड़खानी करता है। तो बहुत दिन से हम बोल रहे थे, घर पे नहीं बता पा रहे थे ये बात को, बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। बाद में जब घर पे बताए तो मम्मी पापा बोले कि इसको हमको थाना में देना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले फिर वो छेड़खानी किया इवनिंग क्लब के पास। वही मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 में अल्पसंख्यक मोर्चा के इमरान प्रताप गढ़ी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इमरान प्रताप गढ़ी फैंस क्लब के द्वारा इमरान प्रताप गढ़ी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खुशी में क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और लड्डू का वितरण किया गया। संस्था के अध्यक्ष जकी अजमल सोनू ने कार्यक्रम के संबंध में बताया। आज बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी को कांग्रेस अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसको लेके जमशेदपुर इमरान प्रताप गढ़ी फैंस क्लब के तरफ से आज फैंस क्लब के सारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी पिछले कई सालों से इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़े हुए हैं, फैंस क्लब से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में जितना भी मुशायरा हुआ है हम लोगों के नेतृत्व में हुआ है, और इमरान प्रताप गढ़ी जी से हम लोग का एक भावनात्मक लगाव है। और वो एक ऐसे इंसान हैं कि चाहे जहाँ भी अन्याय हो वो हमेशा खड़े रहते हैं, हुकूमत से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी का अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाए जाने पर
पूरे जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इमरान प्रतापगढ़ी फैंस क्लब की तरफ से कहीं लड्डू बांटा जा रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद की जा रही है। अब 100 कार्यकर्ता 500 गांव में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जरूरतमंदों के बीच पहले भी भोजन दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही संस्था द्वारा गांव-गांव घूमकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के साथ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अपना कोरोना काल में लगातार सेवा दिया गया, चाहे भोजन की व्यवस्था या अन्य व्यवस्थाएं दी गई, दवाई से लेकर हर व्यवस्था। अभी क्या है कि चूंकि राज्य में और पूरे देश में तीसरी लहर आने की संभावना है, इसको देखते हुए अलग अलग गांव में जाकर कुल्हान की अगर बात करें तो 100 कार्यकर्ता 500 गांव में जाकर वहां के परिस्थिति को चेक करेंगे। वहां के लोगों की अगर थोड़ी ऊपर नीचे स्थिति हुई तो उसके लिए उनको सजेशन जो होगा डॉक्टरी सलाह परामर्श दिलवाने का जरूरत, दवा की व्यवस्था कराने की जरूरत, वो हम करवाएंगे। उसी के क्रम में आज इस बस्ती में थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल चेक करने के साथ साथ कोविड वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान सहित अन्य जरूरी, जैसे मुखिया जी हमारे साथ हैं, इस बस्ती को चुनने का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि बस्ती के बगल में कचरों का ढेर है और कहा गया है कि कोरोना जो है गंदगी में फैलने की संभावना ज्यादा है। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।